आप लाचार होकर तो नहीं जीना चाहते कि लाचार होकर जीना चाहते? आपने कई एक्सीडेंट केसेस में देखा होगा, लोग ऐसे 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 करके चलते हैं। जब हम कहते हैं ऐसे क्यों चल रहे हैं, बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अब उसके बाद ना मेरी कमर ठीक नहीं, और कईयों का पोस्टर ही बिगड़ जाता है। देखे होंगे ना ऐसे ऐसे लोग आपने। परंतु जितने श्वास हैं उतने तो श्वास हमने लेने हैं, परंतु लाचार होकर नहीं जीना। हमें क्या करना है, ट्रैफिक के नियमों की पालना करनी। अगर हम अच्छे से ट्रैफिक के नियमों की पालना करते तो हमें यहाँ फर्स्ट एड की जरूरत ही ना पड़ती। फर्स्ट एड हमें देनी क्यों पड़ती है, क्यों देनी पड़ती है हमें फर्स्ट एड किसी को? किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए। क्या पता मैं किसी ऐसे व्यक्ति को या आप किसी ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हो जो अपने परिवार का अकेला अकेला व्यक्ति हो सकते है ना। जब उनके माँ बाप को पता चलेगा कि इन्होंने बचाया है तो वो हाथ जोड़ के क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं। फिर कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ब्लड की जरूरत होती है, अगर समय पर ब्लड नहीं मिलता व्यक्ति की डेथ हो सकती है। परंतु ये पुण्य काम कौन आत्माएं करेंगी, आप सभी तो करोगे। कैसे, मान लो अभी अभी इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है सड़क के ऊपर, सबसे पहले हमने क्या देखना है, डॉक्टर्स ए बी सी, क्या देखना है, डॉक्टर्स ए बी सी। क्या हुआ कि जो इसका एक्सीडेंट है, क्या पता ये बाइक है या कोई भी खतरा है इसके आसपास। अब हम क्या करेंगे, या तो हमने खतरे को हटा देने, तुम आओ वॉलंटियर, तुम आओ जल्दी से, ऐसे उठाया, क्या किया हमने खतरे को दूर कर दिया। मान लो इसकी बहन आ रही है, भाई आ रहा है, उसको इस चीज का मालूम नहीं है, वो आते ही मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, मैडम आपने क्या किया, इसका तो आपने सारा का सारा ब्लड ही बाहर निकाल दिया। एक कपड़ा ले लिया, कहीं इसकी शर्ट में अगर दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, घबराहट शुरू हो जाएगी, मेरा तो ब्लड चला गया। हमने एक भीड़ में से कपड़ा लिया, यहाँ रखा, और ब्लड अब कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, इसके इधर नहीं जा रहा। अगर इसकी बहन ने, इसकी मम्मी ने या किसी ने भी क्या किया, इसके सिर को दूसरी तरफ कर दिया, अब बचने के चांसेस होंगे या नहीं? अब क्या किया इन्होंने, दूसरी तरफ इसका सिर कर दिया। जैसे ही दूसरी तरफ सिर किया, सारा का सारा जो ब्लड है कहाँ चला गया, इसके सिर के अंदर। जैसे सिर के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर के अंदर जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, क्या पता जे कोमा में चली जाए, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए गर्दन के ऊपर के भाग में से कहीं से भी ब्लड आए, उस ब्लड को आपने नहीं रोकना। मैंने क्या बताया आपको, गर्दन के ऊपर से कहीं से भी ब्लड आए, उस ब्लड को आपने नहीं रोकना। समझ में आ गई, इसके यहाँ पे कट हो गया, ब्लड आ रहा है, मैं इसको कहूंगी तू अपने हाथ से ही इस ब्लड को रोक ले। अगर मान लो मैं किसी और की ड्यूटी लगाऊंगी, बेटा तुम इसके ब्लड को रोको, इसके मानसिकता क्या होगी, एक हाथ में तो चोट लगी, दूसरा हाथ तो मेरा काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं मैं ठीक हूँ नहीं ठीक, ऐसा हो सकता है ना इसको। परंतु हमने इसको क्या कहना है, आप सभी को पता है कि जो ब्लड होता है वो थोड़ी देर में अपने आप जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर थ्रोमोबिन नामक पदार्थ होता है, इसलिए वो अपने आप जमना शुरू हो जाता है। आपने हमेशा ध्यान रखना कि ये अपने ब्लड के तो कॉन्टैक्ट में रह सकती है, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति इसके ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। मान लो मेरा यहाँ कट लगा हुआ है, ब्लीडिंग आ रही है, और मैं इसके साथ इसके ब्लड को रोक रही हूँ, क्यों नहीं मैं रोक सकती इसके ब्लड को, मिक्स हो जाएगा। क्या क्या था, मैं HIV पॉजिटिव हो जाए, ये HIV पॉजिटिव हो, इसलिए आपने जहाँ से डायरेक्ट ब्लड निकल रहा है वहाँ पर अपना हाथ का यूज नहीं करना, जिसका निकल रहा है वो ही रखेगा। और उसके बाद कोई कपड़ा भीड़ में से मिल गया, अब इसने क्या किया, डायरेक्ट प्रेशर दे दिया, इसके बाद हमने इसके ऊपर क्या बांध दी, पहले तो ये था कि जख्म के ऊपर आपने गांठ नहीं मारनी, जो नई गाइडलाइन आई उसमें कहे जख्म के ऊपर आप गांठ मार सकते हो। अब क्या करना है, इसको 90 डिग्री पर ऊपर कर देना, रेज कर देना, आसान काम है, अब अपने आप ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इनकेस ये पूरा कपड़ा ब्लीडिंग के साथ हमारा भर चुका है, क्या अब मैं इसके ऊपर नया कपड़ा रखूं कि इसको हटा दूं? इसके ऊपर ही रखेंगे, अगर इन केस हमने हटा दिया क्या होगा,
एकदम से ब्लीडिंग के फुहारे निकलने शुरू हो जाएंगे। आसान काम है, इस बात को याद रखोगे आप, क्योंकि आपने समाज में जाके लोगों की हेल्प करनी है। आपके कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, और आप जो ये 50 बच्चे हो, कितने विशेष बच्चे हो, कितने विशेष, और आपके ऊपर उस परमात्मा की कितनी कृपा है। हेलो, यहाँ पर ज्ञानपुरा कॉलेज में दो एक बच्चे को अटैक आया है, कृपया आप एम्बुलेंस भेज दीजिए। एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है, कितनी देर में? अभी आ रही, दो चार मिनट में। दिखाई दे रहे कैसे मैंने पकड़ा, ऐसे पकड़ा। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21।